जमालुद्दीन साहब जी बोलिए। एक्चुअली जो हुआ क्या था, जिस जो झगड़ा हुआ जी, हम उस 8 दिन पहले हम क्या करे जी, प्रेस मीट कराए जी। 8 दिन पहले फंक्शन हॉल में प्रेस मीट करा के जमालुद्दीन साहब ये बोले कि भाई हम जो है NOC गरीबों के लिए देंगे, इशू करने के लिए तैयार है जी, जिसको भी चाहिए हमसे पैदा करें, बोले कि आप प्रेस मीट करा के बाजाबता ऐलान करें जी। ऐलान करने के बाद उसके 2 दिन के बाद मैं बिन मुशाफा और मेरे साथी मोहम्मद फसीउद्दीन को लेके हर घर पे खटका मारे जी। हम हर घर पे खटका मार के बोले कि भाई हम आपको 2 दिन के अंदर जो है आप आके अपना नाम दर्ज कराइए, हम आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया भी नहीं लेंगे, NOC इशू कर देंगे। जमालुद्दीन के कहने पे हम जाके जो है गरीबों का सबको बोल के झाड़ के नीचे आइए बोल के, 2 दिन के बाद हम जाके झाड़ के नीचे बैठे जी। झाड़ के नीचे बैठ के लोग आए, 2-3 लोग आए, आके नाम अपने अपने नाम दर्ज करा रहे थे। जिस दिन ये झगड़ा हुआ जी, जैसा नाम दर्ज कराए, दो फैमिली के ले लिए थे हम, ये लोग पूरे जितों के ऊपर जो FIR हुए, जो 24 लैंड ग्राफ पर पूरे 24 के एक साथ आ गए, एक साथ आए, एक को कैसा मिले, 23 आए सब 24 एक जगह आए कैसा, वो अब चोरा चोरा मिलके गांव बांट लिए, अलग अलग गाड़ियों में आए ये लोग। हाँ, तो एक ही वक्त में आना भी बड़ी बात है। फैसल बाम जो है अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में आए, अहमद कसादी के साथ हमारे हुसैन कसरी साहब 2-व्हीलर पे आ गए, वो निजाम तो वहीं ऊपर रहने वाला है पहाड़ पे, वो नीचे उतर के आ गया जी। और साथ में जो है कुछ लोग 2-व्हीलर, कुछ लोग पैदल पैदल इनके साथ, एक 25। मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ, यहाँ पर पुलिस का जो है सबसे बड़ा रोल है जी, आप वो क्लिप में देखे होंगे, पुलिस वाले ठहर के खाली वीडियो ले रहे हैं, देखिए काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ना कि वीडियोग्राफरी करना जी। ऐसा दिख रहा था कि कोई पिक्चर की शूटिंग चल रही है और पुलिस वाले जो है ठहर के, मैं बताया हूँ शूटिंग कर रहे हैं, मैं बताया हूँ वहाँ झगड़ा चल रहा है। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि चंद्रायन गुट्टा PS का CI सबसे बेगैरत आदमी है, एक सरकारी ड्यूटी करने वाला जो है वर्दी पहनने वाला सबसे करप्ट पुलिस ऑफिसर चंद्रायन गुट्टा PS में जहाँ तक अब तक मैं जो देखा हूँ, ये प्रकाश रेड्डी है। इसका काम क्या है, आपके कोर्ट ऑर्डर दिया है जी, स्टेटस को मेंटेन करना है, उसको स्टेटस को क्या माने ही नहीं मालूम, वहां पे किसी को आने देना ही नहीं है। हाँ। ये लोग अलाउ कर रहे हैं, इन्हों जब NOC दे रहे हैं, गरीबों का फायदा कर रहे हैं, आप भी गरीबों के लड़ रहे हैं बल्कि पुकारा कर रहे हैं। हुसैन कसरी साहब बोल रहे मैं गरीबों के माल और उनके जो है जायदाद का तहफ्फुज़ कर रहा हूँ, तो फिर ये क्या कर रहे थे वहां पर, ये भी तो NOC देने गए थे, आप इनको घरों से निकालने गए थे, आप जो है हुसैन कसरी साहब आ गए जबकि वो एरिए से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। हमारे अहमद कसादी साहब आ गए जो रहते सलाला में, हमदा इसमें क्या करने आए थे वहां पर, फैसल बाम आए वहां पर, आप देख सकते हैं क्लिप में है, वो। है। फैसल बाम का क्या लेना देना है वहां पर,